हमने सारे किरदार प्ले किए हैं और हमने थोड़ा सा वक्त भी बिताया है एयरपोर्ट्स में, यू नो, इन इन इवेंट्स में भी. और एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि जब भी कोई आपके पास आता है तो सबसे पहले आपको एक चीज़ याद दिलाता है कि उसने 1999 में एक फिल्म देखी और उसको रात भर नींद नहीं आई. वो फिल्म थी संघर्ष. उस फिल्म को 20 साल हो गए. उस किरदार को, लज्जा शंकर पांडे को भी 20 साल हो गए, बट आज तक हम भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, हिल जाते हैं. जस्ट टेक अस थ्रू दैट मोमेंट. देखिए, मैं इसको ये मान के चलता हूँ कि भट्ट साहब मुझे यहाँ से प्रेम करते हैं. और जब दुश्मन हो गई और दुश्मन के बाद मैं शूटिंग कर रहा था हैदराबाद में जानवर नाम की फिल्म की जी, तो भट्ट साहब अक्षय कुमार के साथ, अक्षय कुमार जी के साथ, तो भट्ट साहब ने एक दिन मुझे फ़ोन किया और मुझसे कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ और एक किरदार है संघर्ष का जो किरदार है उससे बड़ा विलेन आज तक नहीं आया है, लेकिन वो मैं तुमको नहीं दूंगा. अच्छा. मैं किसी और एक्टर को दूंगा. मैंने अगले दिन फ्लाइट पकड़ी. लकीली उस दिन हमारी छुट्टी थी और मैं सीधा भट्ट साहब ट्रॉम्बे क्लब में शूट कर रहे थे चेंबूर में जी. तो मैं सीधा उनके पास पहुंचा और मैंने कहा कि या तो आप ये कहिए कि मैं बुरा एक्टर हूँ तो आप मुझे मत लीजिए, और नहीं तो आप जिस भी एक्टर को ले रहे हैं आप उसका और मेरा दोनों का ऑडिशन लीजिए और फिर ऑडिशन लेने के बाद आप मुझे खारिज कीजिए कि इस रोल में तुम फिट नहीं हो. तो बहुत हंसे और बोले कि मैं तो तुमसे सिर्फ मिलना चाहता था और मैं ये चाहता था कि तुम आओ, बहुत दिन से तुमको देखा नहीं था इसलिए मैंने ये बात कही थी. बट टेक अस थ्रू दैट मोमेंट आशुतोष, उस दिन जिस दिन आपने वो जो किया हुआ ये कि हम चांदीवली स्टूडियो में शूट कर रहे थे और भट्ट साहब आए और बोले कि यार बेटा इस पे मुझे एक सिग्नेचर चाहिए. तो मैंने कहा भट्ट साहब सिग्नेचर मतलब? बोले कि सम सिग्नेचर, जैसे कि एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो हॉन्टिंग हो और वो लगातार फिल्म में रिपीट हो और वो लोगों के जहन में बस जाए. अगर आप देखें तो हमारे यहाँ एक रिचुअल होता है जहाँ पे ये इस किस्म का हुलू साउंड कहलाता है, जिसे रेड इंडियन क्राई कहते हैं. और जब भी कभी हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं तो हम ये पाते हैं कि मंदिरों में आपको इस किस्म का साउंड सुनने मिलता है, और वो इसलिए मिलता है कि ये बुरी आत्माओं को भगाने के लिए ये साउंड, जैसे आप बंगाली शादियों में भी होता है एक तरह से. हाँ, आवाज करते हैं. हाँ, लेकिन वो ऐसे होता है जी, और वो टंग से होता है. तो दिमाग में ये आया कि लज्जा शंकर पांडे के लिए बुरी आत्माएं कौन है? वे लोग जो इसके लक्ष्य में, लक्ष्य प्राप्ति में बाधा करें जी. तो वो अच्छी हैं या बुरी हैं उसका फैसला दुनिया करेगी, लेकिन इसके लिए तो वो बुरी आत्माएं हैं. तो अगर वो उनको भगाना चाहता है तो उसको इस किस्म का एक साउंड निकालना चाहिए. और जब वो हुआ मोमेंट, वो मुझे भी नहीं पता था, और ये इतना एक लाउड जेस्चर था कि इसे कन्विंसिंगली कर देना और लोगों के दिमाग में, क्योंकि ये फूहड़ भी लग सकता है, मूर्खतापूर्ण भी लग सकता है, लेकिन उस दिन ये विश्वास हुआ कि अगर आप कोई भी चीज़ कन्विक्शन के साथ करते हैं तो फिर दुनिया की कोई भी चीज़ फूहड़ नहीं होती और कोई भी चीज़ मूर्खतापूर्ण नहीं होती. तो डायरेक्टर हिल गए थोड़ा सा देख के आपको कर रहे हैं? मतलब भट्ट साहब कैमरे के पीछे बैठे हुए थे, तनुजा बैठी हुई थी, और जब ये साउंड आया तो वो पूरा एक, जिसको, क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड था तमाम चीज़ें, और हम भी चूंकि उस चीज़ को पहली बार कर रहे थे तो पूरी ऊर्जा के साथ जब वो निकला, क्योंकि उसमें एक ये चिंता थी कि ये तो मुझे इसको तो कन्विंस करना ही है और इसको भय पैदा करना है सामने वाले के अंदर. तो वो जब हुआ तो वो चीज़ पहले ही उसमें हुई और उन्होंने कहा कि एग्जैक्टली दिस इज इट, यही हमें चाहिए. वन टेक. वाओ. तो वो टेक जो 20 साल बाद भी लोग याद रखते हैं लोग याद और डरते हैं.